जिस तरह भारत विरोधी ताकतों और जिस तरह से झंडे का अपमान किया गया उसके खिलाफ सिख समाज द्वारा हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सिख समाज से जुड़े कई लोग हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे। साथ ही परमिंदर सिंह बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य भी मौजूद रहे। आज का यह कार्यक्रम अलगाववाद उग्रवाद के विरोध में देश की एकता अखंडता के समर्थन में और हम भारत माँ के लाल हैं, भारत भूमि को हमारे पूर्वजों ने खून से सींचा है, यह भारत भूमि के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए आज भारत का सिख समाज संपूर्ण जिलों में संपूर्ण प्रदेश में संपूर्ण भारत में निकल पड़ा है। उसी क्रम में आज लखनऊ की इकाई ने कार्यक्रम सोचा है और हम लोग आज यहाँ अपना विश्वास व्यक्त करा देंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिख समाज बहुत खुश है, संपन्न है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व संपूर्ण भारत का सिख समाज खुश है, इसलिए आज हम लोग एक साथ निकले हैं। देश की एकता किसी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं है। अगर बात की जाए परमिंदर जी, तो पंजाब के अंदर में अमित पाल की अगुवाई में कहीं कहीं अलगाववाद का सोच एक कहीं ना कहीं विकास हो रहा है और लगातार उस पर कार्रवाइयों का झड़ी लग रही है, तमाम पूछताछ की जा रही है, उसकी धरपकड़ की तैयारी में है, किस नजर से देखते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए या देश के संविधान के खिलाफ हो या देश के लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सिख समाज देश की एकता खंड तक साथ है, ना कि किसी प्रकार के अलगाववाद के साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।